इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो टॉपिक को जो कि इंडियन आर्मी को लेके है। यहाँ पर जो पहला टॉपिक रहेगा तो वो इंडिजिनस लॉयट्रिंग म्यूनिशन को लेके है, जिसका जो प्रोक्योरमेंट है वो एक अच्छे नंबर में इंडियन आर्मी करने जा रही है। लॉयट्रिंग म्यूनिशन एक ऐसा एरिया है जिसमें हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे, और इसको लेकर जो RFI है वो लास्ट ईयर इशू किए गए थे, और उस RFI में कई सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भारतीय कंपनियां, और जो इजराइल और पोलैंड के प्रोडक्ट हैं वो भी यहाँ पे कम्पीट कर रहे थे। तो इन सभी प्रोडक्ट को डिफीट करके जो बिड है वो जीता है भारत की कंपनी ने, और ये कंपनी है नागपुर बेस्ड सोलायर ग्रुप, जो उनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है जिनको हम सभी जानते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक लिमिटेड के नाम से। तो वो ऑलरेडी जो आर्मी के कई सारे वेपन है उनके लिए म्यूनिशन प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि पिनाका हो गया या फिर जो हैंडहेल्ड ग्रेनेड है, उस तरह के जो प्रोडक्ट है वो 10 लाख के नंबर में सप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर जो इनका नागास्त्र 1 है उसको तकरीबन 400 के नंबर में प्रोक्योर करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी, और इसके जो सभी ट्रायल है वो कंडक्ट किए जा चुके हैं। ट्रायल के कुछ जो वीडियो और फुटेज है वो तकरीबन 6-7 महीने पहले हम देख भी चुके हैं कि जो उस टाइम पे ट्रायल है वो कंडक्ट किए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस रही है उससे इंडियन आर्मी सेटिस्फाइड रही है, तभी कॉस्ट को देखते हुए इनको ये जो ऑर्डर है वो दिया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ तक बात है इंडिजिनस कंटेंट की, तो इस ड्रोन में जो इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा है वो 75% से लेके 80% के बीच में है। सोलर इंडस्ट्री की UAV की बात करोगे तो जो एक प्रोजेक्ट है लॉयट्रिंग म्यूनिशन, उसके अंतर्गत ये 3 जो LM है वो ये डेवलप कर रहे थे। जो पहला LM है LM0 यानी कि लॉयट्रिंग म्यूनिशन 0, जिसको अभी नागास्त्र का नाम दे दिया गया है, और तकरीबन जो 400 यूनिट है वो इसके प्रोक्योर किए जाएंगे। यहाँ पे नागास्त्र की बात करोगे तो इसको लॉन्च किया जा सकता है ट्राईपॉड से, या फिर अगर आप चाहोगे तो हाथ से भी लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च करने के बाद जो टारगेट की फीड को लेकर इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले भी दे सकते हो, फीड कर सकते हो, नहीं तो अपने ये फ्लाइट एनवेलप में जो भी उसके पास पेलोड लगा हुआ है, डे और नाइट कैमरा लगा हुआ है, वो टारगेट तक पहुंचेगा, उसको फॉलो करेगा और इसके ऊपर लॉयटर करेगा, जिसमें ये कैपेबल है कि अपने टारगेट के 4-5 किलोमीटर ऊपर रह के फ्लाई कर सके। तो जब ये इतनी ऊंचाई पे फ्लाई करता है, लॉयटर करता है, मन रहता है अपने टारगेट पे, तो उस केस में इसके साइज को देखते हुए, क्योंकि साइज काफी स्मॉल है एक वैसे अल्टीट्यूड के लिए, सिंस ये इलेक्ट्रिक प्रोपेल्ड है तो जो प्रोपेलर का साउंड होगा वो काफी कम होगा, तो जो अकोस्टिक साइन है वो ना के बराबर होगा। जहां तक बात है हीट सिग्नेचर की, वो भी काफी कम होंगे, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है बैटरी से संचालित है, तो जो सारे एस्पेक्ट है वो ये मेंटेन करता है, और ये चीज यहाँ पर डिफिकल्ट बनाती है एनमी के रडार के लिए कि इसको ये पकड़ सके। तो इसके लिए आसानी हो जाएगी कि अपने टारगेट को फॉलो करते हुए, उस पर लॉयटर करते हुए, और एक सही टाइम देख के स्ट्राइक कर देगा कामाकाजी ड्रोन की तरह। यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग एंगल होगा वो आपको 60 डिग्री का है, अपने टारगेट के तकरीबन 2 मीटर नजदीक गिरेगा, मतलब 2 मीटर के CP है, और जिस तरह का ये वॉरहेड कैरी कर रहा होगा, फ्रेगमेंटेड वॉरहेड, वो इसको क्षमता देगा, जो 10x10 का एरिया है जहाँ पे ये गिरा है उसको ये ध्वस्त कर सके। यहाँ पे जो वॉरहेड है वो 1.5 kg के अराउंड है, और जो टेक ऑफ वेट है वो 8 kg के अराउंड है। सिस्टम के पास क्षमता है कि अगर आपने इसको लॉन्च कर दिया और मिशन के टाइम पे ही अगर बीच में ही आपको मिशन अबॉर्ट करना पड़ गया, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे संभव है। और ये जो फैक्टर है एक ऐसे प्राइस रेंज में, इसने इसको एडवांटेज दिया है बाकी के जो भी कंपटीटर थे उनके ऊपर। तो यहाँ पर रिकवर करने के लिए जो पैराशूट है वो भी दिया गया है ड्रोन के मिड बॉडी के ऊपर। जहाँ तक बात है बैटरी के एंड्योरेंस की, तो वो 60 मिनट की है। अगर रेंज की बात करोगे, ऑटोनोमस छोड़ दोगे, तो जो रेंज है वो 30 किलोमीटर की है, और ह्यूमन के साथ ये 15 किलोमीटर की रहेगी। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है प्रोपेलर के साथ फिक्स्ड विंग का वो दिया गया है। जो फिक्स्ड विंग है वो आपको हेल्प करेंगे, जैसे आप इसको हाथ से लॉन्च करोगे तो एक पुश के टाइम पे एयर के थ्रू ग्लाइड होता हुआ जो प्रोपेलर्स के थ्रस्ट है उसको एनेबल करता है। तो ये किसी भी टारगेट को लोकेट कर सकता है, अक्वायर कर सकता है, और स्ट्राइक कर सकता है। अगर मीन सी लेवल से बात करते हो, एक ऐसे अल्टीट्यूड के जहाँ पे इसको पकड़ना आसान ना हो, तो मिनिमम 200 मीटर का है, और जो मैक्सिमम है वो 4 किलोमीटर का है। तो ये था लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी कि LM0, जिसको नागास्त्र 1 का नाम दिया गया है। अगर नागास्त्र 2 की बात करोगे यानी कि LM1 की, तो एक मैन पोर्टेबल लॉयटरिंग म्यूनिशन है जिसको स्पेशली बनाया गया जो एनमी के टैंक है और दूसरे जो आर्मर्ड व्हीकल है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर जो वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी है वो 4 kg के अराउंड है, जो कि नागास्त्र 1 में 1.5 kg के अराउंड थी। इसको आप लॉन्च कर सकते हो एक ट्यूब से, कैटापल्ट लॉन्चर से। तो एक ट्यूब लॉन्च सिस्टम रहेगा, और यहाँ पर जो रेंज रहेगी वो 25 किलोमीटर के अराउंड रहेगी। इसको आप बैकपैक में कैरी कर सकते हो, और जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो यहाँ पर 20 kg के अराउंड है। तो बेसिकली इसको बनाया गया है टैक्टिकल बैटल एरिया के लिए। यहाँ पर भी जो UIR कैमरा है वो दिया गया है, और जो एंड्योरेंस है वो 90 मिनट की है। नागास्त्र 3 की बात करोगे तो वो एक व्हीकल माउंटेड ट्यूब लॉन्च सिस्टम होगा, मतलब जो कैसेट्स हैं वो दिए गए हैं म्यूनिशन को लॉन्च करने के लिए। इस तरह का जो सेटअप है वो हम इजरायली कामाकाजी ड्रोन के साथ देख चुके हैं। यहाँ पे व्हीकल से लॉन्च कर सकते हो अपने UAV को, वही फैशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वॉरेड कैरी कैपेसिटी है वो 5-10 kg के अराउंड है, और जो रेंज रहेगी वो 100 किलोमीटर तक जाएगी, और जो एक व्हीकल होगा वो तकरीबन 6 के नंबर में जो LM2 है या फिर नागास्त्र 3 है उसको कैरी करेगा। सेटअप की बात करोगे तो सेटअप में जो लॉन्चर है, जनरेटर है, UPS है, और जो दूसरे सपोर्ट इक्विपमेंट है वो रहेंगे, और कोई भी जो 110 कैटेगरी का व्हीकल है वो इसको कैरी कर पाएगा इसके लॉन्चर के साथ। सो इस तरह का जो सेटअप है वो एनमी के एक बड़ी इन्फेंट्री को ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी रखता है,
जो कि प्रॉब्ली आने वाले समय में जो वॉर का फेस होगा और रुख होगा उसको चेंज करने की क्षमता रखेंगे। सो ये सभी गेम चेंजर इक्विपमेंट्स हैं। इनकी यूटिलिटी तभी है जब इनको एक अच्छे नंबर में प्रोक्योर किया जाए और इस्तेमाल में लाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।